नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन जसपाल राणा ने निशानेबाजी में देश को दिलाया था स्वर्ण पदक। 27 जुलाई 1994 का दिन देश के निशानेबाजी के इतिहास में मील का पत्थर बना, जब जसपाल राणा ने इटली के मिलान में आयोजित 46वीं विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जसपाल ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में रिकॉर्ड स्कोर 600 में से 569 अंक प्राप्त कर तहलका मचा दिया था। विश्व निशानेबाजी के नक्शे पर जसपाल राणा का यह पहला स्वर्णिम हस्ताक्षर था। निशानेबाजी में 1978 में पहली बार रणधीर सिंह ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आज के दिन हुई थी स्थापना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF 246 बटालियन, 43 ग्रुप केंद्रों, 20 प्रशिक्षण संस्थानों, 3 CWS, 7 AWS, 3 SWS, 21 संयुक्त अस्पतालों के साथ देश का सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल माना जाता है। CRPF की स्थापना क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को हुई थी। देश की स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम लागू होने पर यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रीय अखंडता कायम रखना, लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना CRPF का मिशन है। आज के दिन पहली बार गिरफ्तार किए गए थे बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नाम से लेख लिखा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया था। इस पर उन्हें राजद्रोह के आरोप में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। तिलक ने मराठी में मराठा दर्पण और केसरी नाम से दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किए थे, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। समाचार पत्रों में तिलक ब्रिटिश शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की खूब आलोचना करते थे। तिलक को उनके लेखों की वजह से कई बार जेल जाना पड़ा। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का आज के दिन हुआ था जन्म। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई 1960 को हुआ था। वह पहली बार रांगकापा और कांग्रेस के समर्थन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे 2004 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। उद्धव ठाकरे प्रसिद्ध फोटोग्राफर रहे हैं। वार्षिक प्रदर्शनियों में उनकी फोटोग्राफी की काफी सराहना होती रही है। उद्धव ठाकरे ने 2002 के BMC चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और उनके बेहतर प्रबंधन के चलते शिवसेना बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गई थी। वह शिवसेना के मुखपत्र मराठी अखबार सामना के जून 2006 के मुख्य संपादक रहे हैं। आज के दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का शिलोंग में हुआ था निधन। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में लेक्चर देते समय दिल का दौरा पड़ने से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। भारत रत्न मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर कलाम लंबे समय तक DRDO से जुड़े रहे। देश के पहले स्वदेशी उपग्रह PSLV-3 के विकास और पृथ्वी व अग्नि जैसी मिसाइलें बनाने में उनका प्रमुख योगदान रहा। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण को डॉक्टर कलाम ने लीड किया था। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी की ओर से 27 जुलाई दिन सोमवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है मन का सुख। मेष, मन के सुख के लिए भाग्य 44% है। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी। अचानक धन लाभ होने के योग हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। पठन पाठन से लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद व निषेध रंग सिंदूरी है। वृष, मन के सुख के लिए भाग्य 75% है। रोग की वजह से अनावश्यक खर्च होगा। आपका समय उत्तम चल रहा है। कार्य में सफलता प्राप्त होगी। वाणी में आचरण पर संयम बढ़ते झगड़े के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व निषेध रंग नीला व सफेद है। मिथुन, मन के सुख के लिए भाग्य 41% है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग सफेद व नारंगी तथा निषेध रंग हरा व काही है। कर्क, मन के सुख के लिए भाग्य 83% है। बेरोजगारों के लिए शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। कठोर परिश्रम से सोच में सकारात्मकता आएगी।
सुखद समय चल रहा है। कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना बढ़ते हानि के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व निषेध रंग हरा व पीला है। सिंह, मन के सुख के लिए भाग्य 52% है। कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग हैं। मनोरंजन और भोग विलासी प्रवृत्तियों में खर्च होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय उत्तम है। संतान के संबंध में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी व निषेध रंग जामुनी व सलेटी है। कन्या, मन के सुख के लिए भाग्य 53% है। आय व्यय की तरह उपलब्धियों का संतुलन बना रहेगा। मनोवांछित सफलता मिलेगी। खूब मेहनत करें, अच्छा फल प्राप्त होगा। कारोबार में अपेक्षा अनुरूप सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग धानी व निषेध रंग बसंती है। तुला, मन के सुख के लिए भाग्य 76% है। आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो सकती है। कोई भी अनैतिक कार्य करने से पहले परिणाम में ध्यान दें। करियर के लिए समय अनुकूल चल रहा है। शुभ रंग सभी प्रकार के सफेद रंग तथा निषेध रंग काला व सलेटी है। वृश्चिक, मन के सुख के लिए भाग्य 50% है। नौकरी व व्यवसाय की दृष्टि से समय अनुकूल है। घर बाहर सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। शुभाशुभ फल की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में लापरवाही न बढ़ते हानि के योग है। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग काला व जामुनी है। धनु, मन के सुख के लिए भाग्य 77% है। अपने करीबी लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। वित्तीय स्थिति का ख्याल रखने की जरूरत है तथा फिजूल खर्चों पर पाबंदी लग सकती है। कार्य क्षेत्र में नवीन योजनाएं बनने के योग हैं। शुभ रंग पीला व बसंती तथा निषेध रंग हरा व धानी है। मकर, मन के सुख के लिए भाग्य 53% है। मन कुछ खिन्न रह सकता है, परंतु परेशान ना हो, परिणाम प्राप्ति पर मन हर्षित होगा। भविष्य को सुधारने के लिए आज पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके कार्यों एवं योगदान को मान्यता मिलेगी। शुभ रंग सलेटी व निषेध रंग गुलाबी व लाल है। कुंभ, मन के सुख के लिए भाग्य 54% है। परिवार के साथ अच्छे समय व्यतीत हो सकता है। आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। किसी को अच्छा ना लगे ऐसा बोलने से बचे, आपकी छवि खराब हो सकती है। शुभ रंग सलेटी व निषेध रंग का ही है। मीन, मन के सुख के लिए भाग्य 76% है। कार्य में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। रोजगार में वृद्धि हो सकती है। व्यर्थ के तनाव से घिरे रहने के योग है। शुभ रंग पीला व नारंगी तथा निषेध रंग नीला व काला है। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 7:08 से प्रातः 8:53 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121266888 या 0983706000446 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।